जैसे कि आपको पता है कि 17 जुलाई को मुहर्रम का दिन है, जिस दिन जुलूस निकलता है, और उसी मुहर्रम को लेकर के आज ढाका थाना के जो भी जिम्मेदार है, वहाँ के थाना अध्यक्ष है, वो आज ढाका के वार्ड नंबर 15 के अंदर पहुँचे और वहाँ के जो भी निवासी है, जो वहाँ के जिम्मेदार है गांव के, वहाँ के लोगों से उन्होंने मिलने का काम किया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ के ढाका के अगर हम बात करते, जो इस चंपारण ढाका एक वहाँ पर सिटी है, वहाँ के थाना के द्वारा जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने एक पहल किया कि मुहर्रम को शांतिपूर्वक कैसे मनाया जाए, इसको लेकर उन्होंने सबसे मिलने का जो काम कर रही है, बहुत ही काबिले तारीफ काम है। क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो होती है वो प्रशासन के ऊपर होती है कि कैसे वो अपने काम को कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि लगभग ढाका के जितने भी 25 वार्ड है, सभी वार्ड से जुलूस एक बार निकलती है तो काफी भीड़ हो जाती है और सबको संभालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए उन्होंने हर वार्ड के अंदर उन्होंने एक पहल चला रही है, और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये ढाका के वार्ड नंबर 15 का ये खबर है निकल कर आ रही है कि यहाँ पर प्रशासन की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो वहाँ के जिम्मेदार लोगों से बात कर रहे हैं और एकदम शांति पूर्वक कैसे मुहर्रम को मनाया जाए इस पे वो चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब मुहर्रम होती है, जुलूस निकलता है, तो काफी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, तनाव हो जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए सही से जुलूस कैसे निकले, कैसे वापस आए, इस पे चर्चा चली, लोगों से बातें इस पे हुई कि कौन इस पे जिम्मेदारी लेंगे। कि हाँ, जैसे कि कुछ जगह पर कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदार लोग होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने इलाके को सही से संभाल कर जो भी मुहर्रम का जुलूस होता है उनको आप अपने हिसाब से कंट्रोल करें। तो ये प्रशासन की जो पहल है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इसमें प्रशासन जब इन्वॉल्व हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो गांव के, शहर के, जिस जगह के जहां पर मुहर्रम खेली जाती है, किसी भी वहां के जो लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इससे ये फायदा ये होता है कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी हो थोड़ा सा कम हो जाता है, और क्योंकि जब गांव के जिम्मेदार लोग आगे चलते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ मुहर्रम को जो जुलूस उसको लेकर जाना, लेकर आना, वो सब सही से होता है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये ढाका की अगर हम बात करते हैं, तो ये ढाका में बहुत ही खूबसूरत चीज ये है कि किसी भी चीज या किसी धर्म, अन्य धर्म के लोगों को भी आप देखते होंगे कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलजुल कर जो भी जुलूस निकलता है, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक जो यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, वो भी ढाका के अंदर निकलती है, तो बहुत ही सुकून और शांति के साथ उसको निकालने का प्रयास किया जाता है, और ये सफल भी होता हुआ नजर आता है ढाका के अंदर। और इसमें सबकी भागीदारी होती है, चाहे प्रशासन की हो, चाहे वहाँ के लोकल निवासी हो, जितने भी वहाँ ढाका के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो हर धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ये सब मिलजुल कर इस काम को करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात ढाका के लिए। अगर हिंदू का कोई पर्व हो तो उसमें मुसलमान सहयोग करते हैं और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करते हैं, और मुस्लिम का पर्व हो तो उसमें हिंदू भाई भी मिलजुल कर हिस्सा लेने का काम करते हैं, और सब एक जगह रह करके शांति पूर्वक कैसे इस पर्व को मनाया जाए, शांति पूर्वक इस जुलूस को कैसे निकाला जाए, कैसे अपने मकाम तक पहुंचाया जाए, ये पहल जो की जाती है, ये बहुत ही अच्छी पहल की जाती है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो यहाँ के निवासी हो। तो ये जो आपको मैं अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ईस्ट चंपारण, मोतिहारी, और मोतिहारी के बाद अगर हम बात करते हैं तो ढाका सिटी आता है, वहां से ढाका, और ढाका जो कि बहुत ही एक फेमस जगह है, मशहूर जगह है, यहाँ पर काफी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। जब कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व आता है तो सब एक साथ मिलजुल कर खेलने का काम करते हैं, तो प्यार और मोहब्बत के लिए भी ढाका को जाना जाता है, और ये प्रशासन की पहल है जो कि काफी
अच्छी पहल है, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और 17 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, जिसके लिए हर जगह तैयारी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि ये मुहर्रम है ये शांति पूर्वक लोग मनाएंगे और शासन और प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से पहल किया जा रहा है, इससे यही उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, लोकल भी लोगों की जिम्मेदारी होती है, वो शांति पूर्वक इस जुलूस को निकाले, इस जुलूस को पूरा करे। तो ये अपडेट मैं आपको ढाका से देने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये अपडेट